तो बचपन में टीवी देखना सबको पसंद होता है हाँ, वो बात अलग है टीवी शोस से ज़्यादा एड्स आते थे टीवी पे। लेकिन तुम लोग को वो चीज कहाँ पता होगी तुम तो बहुत ही कूल किड्स हो तुम कहाँ टीवी देखते हो क्या तू कितना ओल्ड फैशन और बोरिंग है तू टीवी देखता है मेरी लाइफ में तो बस एक ही टीवी है जो की एक खासी वाली टीवी जो की मुझे सेट मैट गोल्ड फ्लैग सिगरेट पीने से हुई थी <laughs> ब्रो मुझे वो गुरु रंधावा की दो एम जी पतंजलि की दवाई दे जल्दी ये ये न्याम। हु मेरी जान फिर से बच गई फिर से जान बच गई मतलब गोल्ड सिगरेट है। और अपने को असली कष्ट oh, तो ये दवाई का आपकी खांसी ठीक हो सकती है ज्यादा खासी मरने ऐसा लगने पर किसी निजी अस्पताल पे संपर्क करें। तुम समझ गए राइट जैसे वो दवाई के अजीब से सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लास्ट में देते है जो की तुम सुन भी नहीं पाते हो बेहतर अरे दादाजी हाँ चल ज्यादा एक्टिंग की जरूरत नहीं है सुन लिया मैंने हाँ, ही। तो बचपन में टीवी देखना सबको पसंद होता है हाँ, वो बात अलग है टीवी शोस से ज्यादा एड्स आते थे टीवी पे लेकिन तुम लोग को वो चीज़ कहाँ पता होगी तुम तो बहुत ही कूल किड्स हो तुम कहाँ टीवी देखते हो क्या तू कितना ओल्ड फैशन और बोरिंग है तू टीवी देखता है मेरी लाइफ में तो बस एक ही टीवी है जो की एक खासी वाली टीवी जो की मुझे सेट मैट गोल्ड फ्लैग सिगरेट पीने से हुई थी <laughs> ब्रो मुझे वो गुरु रंधावा की दो एम जी पतंजलि की दवाई दे जल्दी ओ, ये ये न्याम। हु मेरी जान फिर से बच गई फिर से जान बच गई मतलब गोल्ड सिगरेट आज भी है और अपने फेफड़ो को असली कष्ट बताए oh, तो ये दवाई का नहीं सिगरेट का एड था गोल्ड सिगरेट से खासी होने पर किसी भी निजी दवाई के संपर्क में आने से आपकी खांसी ठीक हो सकती है ज्यादा खासी मरने ऐसा लगने पर किसी निजी अस्पताल पर संपर्क करें। तुम समझ गए राइट जैसे वो दवाई के अजीब से ऐड जिसमें सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लास्ट में देते है जो की तुम सुन भी नहीं पाते हो बेहतर बेहतर अरे अरे दादाजी मम्मी ज्यादा ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है सुन लिया मैंने